गुजरात में विपरजॉय चक्रवात के कारण खौफनाक हालात बन गए हैं। सौराष्ट्र और कच्छ तटों से लगते इलाकों में तूफानी हवाएं चल रही हैं। पेड़ों के उखड़ने के नज़ारे आम हैं। हवा इतनी तेज है कि राजकोट की एक इमारत के बेसमेंट में खड़ी बाइक उड़ गई। समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी चक्रवात के विजुअल सामने आए हैं। इसमें देखा जा रहा है कि कैसे अरब सागर के ऊपर विपरजॉय विकराल रूप लेता जा रहा है। IMD के अनुसार अभी चक्रवात जखाउ पोर्ट से 280 किलोमीटर दूर है। यह 15 जून की शाम तक बंदरगाह से टकरा सकता है। वहीं IMD के महानिदेशक के मुताबिक चक्रवात विपरजॉय अभी द्वारका से 290 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में और जखाउ पोर्ट से 280 किलोमीटर दूर है। लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। हालांकि चक्रवात की रफ्तार पिछले 6 घंटों में थोड़ी धीमी पड़ी है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात के गुरुवार शाम को लैंडफॉल की भविष्यवाणी की गई है। NDRF की 17 और SDRF की 12 टीमों को देवभूमि द्वारका, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी और वलसाड के प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। चक्रवात विपरजॉय की तैयारी में पश्चिम रेलवे ने 67 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। IMD ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो समुद्र में बिल्कुल न जाएं। सभी विभागों को NDRF, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी, SDRF, PTC और पुलिस और सभी विभागों का संकलन हो चुका है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई है। आज भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना की है मेरी आप सभी की चैनलों के माध्यम से। मात्र एक ही विनती है, जिला प्रशासन की ओर से दिए गए सभी सूचनाओं का पालन कीजिए और ये निर्देशों का पालन करके आप भी सुरक्षित रहिए, आपके परिवार को भी सुरक्षित रखिए और प्रशासन द्वारा जो कामगिरी चल रही है वो कामगिरी में तेजी बढ़ाने के लिए आप सभी लोग निर्देशों का पालन कीजिए। IMD की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार VSCS विपरजॉय अरब सागर के ऊपर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 14 जून को सुबह भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे जखाउ बंदरगाह से लगभग 280 किलोमीटर WSW पर केंद्रित रहा और यह VSCS के रूप में ही 15 जून की शाम तक जखाउ बंदरगाह के पास से गुजरेगा। IMD के मुताबिक चक्रवात विपरजॉय से व्यापक क्षति होने की आशंका है और गुजरात के कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर जिले इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के दस्तक देने और कमजोर होने के बाद इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ने की आशंका है। इस वजह से 15 से 17 जून तक उत्तर गुजरात में भारी बारिश होगी। समुद्र के अशांत होने और आने वाले चक्रवात के कारण इलाके में अत्यधिक भारी बारिश के मद्देनजर मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों को 16 जून तक निलंबित कर दिया गया है और बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।